और मेरी अम्मी जो दो तीन चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो जो बनाती हैं उसमें भी बिल्कुल कोई एग्जैजरेशन नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छी बनाती हैं। क्योंकि यही चीज़ें जब मैंने अपनी खालाओं के हाथ की खाई थी ना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि नहीं मेरी अम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है। रोज दावत करके पकानियाँ बहुत खूबसूरत पकानियाँ तेरे पुप्पियाँ लम्बे शोरबे वाले साल अच्छा जी, तो जिशनी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जो मैंने आपसे पोनस्टोन फोर्ट वाली बात शेयर की थी तो ये मामूल की बात है और ये अनगिनत बातें चलती रहती हैं। पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी तो अम्मी मेरे कमरे में आई हैं और पानी की बोतल मुझे पकड़ा के कहती हैं ऐसे मैं OLX पाता है तो सारी बोतल पी जा ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड और मैं मौजूद हूँ अपनी अम्मा जी और अब्बा जी के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले 8-9 महीने पहले मैंने एक एपिसोड किया था मामू के खूह पे जाके, हमने अम्मी की बनाया सी बीफ पुलाव के नाल साग बनाया सी। हाँ, तो उसके बाद तकरीबन डेली मैसेज आते हैं कि अम्मी अबू के नाल कुछ खाना बनाओ, अम्मी अबू के नाल कुछ पकाओ। तो आज मैं पहुँच गया हूँ मामू के डेरे पे, आलू गोश शोरबे वाला जो मुझे पसंद है अम्मी के हाथ का, बीफ पुलाव मैचलेस और उसके बाद देसी मुर्गा, ये तीन चीज़ें हैं जो मैं अपनी अम्मी के हाथ की बहुत शौक से खाता हूँ। तो माँ जी की प्लान है फिर आज, फिर की खुआ रहे हो पहले आप सानू? तंदूर दी रोटी और देसी मुर्गा। सुभान अल्लाह, शोरबे वाला तेनू पसंद है ना? हाँ जी, बस नाल सलाद होए दा, चटनी होए दी, सलाद अब्बा जी कटनगे। ठीक है, चटनी होए दी, सलाद होए दा, अचार होए दा। वाह वाह वाह, ते इस वास्ते कि ओ ना मुकम्मल ना ना रखिए ना ते डिश प्यारी नहीं लगदी। अम्मी ने हमें बहुत ज्यादा लहसुन अदरक की आदत डाली हुई है, जो भी मैं किधर जाना बलोचिस्तान सिंध किधर पहाड़ा में कहना यार लहसुन अदरक बहुता पाओ बहुता पाओ, वो अपने वालों बहुता पा के दस देने कि हाँ इतना ठीक है, मैं कहना नहीं थोड़ा जहा और पाओ। अभी हम देसी मुर्गा बना रहे हैं, देसी मुर्गा हमने रास्ते में से ले लिया था, तकरीबन 1.25 किलो का मिला है और उसको साफ सूफ करके 900 ग्राम का रह गया। और अभी हम मिट्टी की हांडी, माँ जी हैं ठीक है, और ये गांव मेरी अम्मी का है, ननियाल का गांव है, गुजरांवाला का ये गांव है। सारिया मुंजिया वड़िया गई ने, बिल्कुल वरानी हैगी है, किसी किसी किसान ने सरों बीजी है, अभी सरों खेल खेलिया, माशाल्लाह बड़ा नज़ारा, बड़ा ब्यूटीफुल नज़ारा है। अब वो कोशिश होंगी है कि जो बात फोन पे हो जाती है ना वो मैं जाके कर रहा हूँ, जरा पिंड का मेरा चक्कर लग जाए। और ये औलाद भी इस तरह ही है, गोश्त सही नहीं गलिया, तो ये भी अच्छी बात है, 900 ग्राम गोश्त उन्होंने चेक कर करके पीछे 250 ग्राम रह जाना सी। मामू के डेरे पे हम आ गए हैं और इसके अलावा अब हम यहाँ पे देसी मुर्गे का निजाम हमारा सेटअप रेडी है, बस उसको सब्जियां काटते हैं। अब्बू जी तुसी बनाओगे सलाद? बिल्कुल ठीक है जी। माँ जी तुसी बनाओगे मुर्गा, साथ मंगाएंगे रोटियां, हमारे साथ रहिएगा। माँ जी देसी मुर्गा गल जाएगा? गल जाएगा, गल लाऊंगी मैं तो गल। माँ जी की रेसिपी की है जरा दसो, किवें पकाना है? प्याज लाल करके, हाँ जी, साबत इलाची साबत मसाला मिक्स पा के थोड़ा जा जी मिला के ते विच गोश्त पा दें। ठीक है, मसाला शोरबा थोड़ा गाढ़ा होएगा? नहीं, शोरबा तो बाद च आना ना, पहले अभी उन पकाना है। ठीक है, सारे मसाले पा के जिस थोड़ा जा भुन ला दे, उस तो बाद पानी पा के रख दें। मामू की हेल्प है जी, हमें इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारी चीज़ें और ले आवा? नहीं, काफ़ी नहीं है, हांडी रख दी है, साढ़े वक्त ही बड़ी मज़ेदार हांडी पकती थी। हर बंदे को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
और इसमें कोई वो एग्जैजरेशन नहीं होती, ना ही आदत की बात होती है। माँ जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। दुनिया की सबसे अच्छी जो शेफ़ है वो माँ है, और मेरी अम्मी जो दो तीन चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो जो बनाती हैं उसमें भी बिल्कुल कोई एग्जैजरेशन नहीं है, वो वाकई बहुत अच्छी बनाती हैं। क्योंकि यही चीज़ें जब मैंने अपनी खालाओं के हाथ की खाई थी ना, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि नहीं, मेरी अम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है। रोज़ दावत करके पकाने बहुत खूबसूरत पकाने शोरबे वाले साल हेलो सुन लिया जे खाला का नाम लिया साथ ही पुपियां बीच कितों आ गई पुपियां आ गई ना बिच खाला तो फिर तुम खवा दें तो पुपियां सारी जिंदगी नहीं तो कुछ कुछ खवाया इस वास्ते आखिरी उम्र चा कौन भी लगा जे। अच्छा असी लड़े रहे उन्होंने हां सारी जिंदगी असी आप तो नहीं लड़े ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੋ ਜੋ ਬਾਤ ਖਾਲਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਤੋ ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਫੁੱਫੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਖੈਰ ਹੋਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਚਲਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਮੈਂ ਚਲਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਂਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਰਵੀ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਤੋਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ रेसिपी के साथ साथ जो मुझे जो टेक्निकल चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि आग का जो है वो बैलेंस रखना बड़ा काम है, क्योंकि लकड़ियों की आग है और उस तरह से आदत भी नहीं है। लेकिन ये है कि अम्मा जो हैं वो मुसलसल लकड़ियों को देख रही हैं। अब्बा जी तब से गप्पे लगा रहे थे अपने दोस्तों के साथ और अब इनको काम पे लगाया है और साथ ही गुस्से में आ गए। देसी मुर्गा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया बनाना। मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फेवरेट डिशेज हैं दो तीन जो मेरी अम्मा बहुत ही मज़ेदार बनाती हैं उनमें से हम कोई दो ट्राई करेंगे। एक आलू गोश्त है शोरबे वाला देसी मुर्गा है और उसके अलावा बीफ पुलाव। तो देसी मुर्गा हमने स्टार्ट किया है और अभी मिट्टी की हांडी में लकड़ी की आग है और गाँव का माहौल है एंड दैट्स ऑल। अब आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी आपको रेसिपी भी दिखाऊंगा साथ साथ हम इसे पूछते भी जाएंगे। अभी तो खैर आग जो है वो दोबारा लगा रहे हैं और ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, इसमें जो है ना आपकी आंखें रह जाती हैं। मैं तो करीब भी नहीं जा पा रहा और हिम्मत है उन सब खवातीन की सलाम है जो अभी भी लकड़ी की हांडी पर खाना बनाती हैं, और जो लोग उस खाने में से कीड़े निकालते हैं उनको उनसे खाना पकवाना चाहिए ताकि उन्होंने पता लग गया तू करदा की अखा नाल ऐनक पा के करना तुम्हें जिम्मे बंदा वेल्डिंग करन दिया। अच्छा जी, तो जिश्नी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जो मैंने आपसे पॉन्स्टोन फोर्ट वाली बात शेयर की थी तो ये मामूल की बात है और ये अनगिनत बातें चलती रहती हैं। पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी तो अम्मी मेरे कमरे में आई हैं और पानी की बोतल मुझे पकड़ा के कहती हैं ऐसे मैं OLX पाता है तो सारी बोतल पी जा ठीक हो जाएगा। ਓਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਸ ਸੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਡੈਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਲਾਦ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਥਾ ਉਸਮੇ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਅਬ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਦਿਆ
तो तकरीबन पौना घंटा मैं कह रही हैं कि ये पकेगा, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं। उतनी देर पौना घंटा मेरी नज़र अब्बा जी पे है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो आए थे ना इसको नहीं कर रहे सन, काम नहीं सन कर रहे। ए मैं हूँ लाता इन्होंने काम से, ये चेक करें। यार माशाल्लाह माशाल्लाह किड्डा सुकून है यार, किड्डी फजा साफ है, किड्डी हरियाली हैगी है। मैं यार बड़ा दिल मेरा खुश है ऐसे यार, मैं तो कहना वा इतने अपना मकान ही पा लिए पिंड यार, शहर की है धुआं पेट्रोल आलूदगी सह लेना मुश्किल हो जाता है, इतने सह लिया भी से मजा आता है। अल्लाह अकबर अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये हैगी नैचुरल ब्यूटी है माशाल्लाह, क्या ही बात है यार। सुबह फुल खिड़े ने, ऐ सबज सबज दरख्त ने, फसलों सबज ने, दिल में अखों ठंडक पहुँच रही है, मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा वहाँ। अल्लाह अकबर। और ये देखें जी रयान साहब क्या कर रहे हैं, इतने ज्यादा गिरा दिया आपने। ये आप क्या कर रहे हो रयान? ये वाले पानी में डाल रहा हूं। पानी में डाल रहे हो? अच्छा जी पानी में डाल रहे हो, आपने नहाना है इस पानी में? गंदा पानी है ये? अच्छा हाँ। आपको अच्छा लगता है पानी? डू यू लाइक वाटर? आइजल आपकी ये कोई बात नहीं मान रहा अभी तक, वो देखो क्या कर रहा है, आप खुद भी ये कर रही हो? नहीं। अच्छा सुभान अल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर अम्मा देसी मुर्गा बन गया है, और मैंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा मसाला रखिएगा, ज़्यादा शोरबा नहीं बस ठीक सा जी। बिस्मिल्लाह माँ जी। अच्छा जी अच्छा जी, तो जिश्नी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जो मैंने आपसे पोनस्टोन फोर्ट वाली बात शेयर की थी, तो ये मामूल की बात है और ये अनगिनत बातें चलती रहती हैं। पिछले दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी तो अम्मी मेरे कमरे में आई हैं और पानी की बोतल मुझे पकड़ा के कहती हैं ऐसे मैं OLX पाता है तो सारी बोतल पीजा ठीक हो जाएगा। OLX बेसिकली था नहीं माँ जी, नोट कर तंदूर रोटी ये करो स्पेशल सलाद बनाया है, देसी मुर्गा है, चटनी है, अचार है, ना चाटी लस्सी है, खीर भी आई है करो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या निज़ाम है। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मज़ेदार है भाई, बोटी खाधी नहीं मजेदार। जी कैसी है फिर बेगम दी कुकिंग ताड़ी? क्या बात है बहुत लाजवाब है। अच्छा मेरी उम्र तो है 35 साल, तो मैं तो 35 साल से ही खाने खा रहा हूँ, लेकिन अब्बा जी तो 42 साल से माँ जी के हाथों का खाना खा रहे हैं सुभान अल्लाह। बड़े बड़े खुशकिस्मत बंदे हो तुसी वैसे के नहीं? अच्छा हम चुप ने खुशी गल है। चलो जी देखें जी माशाल्लाह हमारा मेन्यू कितना ज़बरदस्त है, जैसे कि अब्बा जी ने आपको बताया कि हमारे पास कनालियों में देसी मुर्गा बना हुआ है, ये देखें साथ में चार और ये लस्सी अचार और चटनी सुभान अल्लाह। अब हम भी करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखें जी ये लेग पीस है, कैसे गला हुआ है देसी मुर्गा, मिट्टी की हांडी पर गला देना बड़ा काम रखता है। इसमें डालेंगे हम मसाला और साथ हम इसको ऐसे ही खाएँगे सुभान अल्लाह। माँ जी अल्लाह आपको सेहत दे सलामती दे आमीन, अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे तंदुरुस्ती दे, अल्लाह तेरी कमाई च बरकत पाए आमीन आमीन।
आमीन। ऐसे खाने जो हैं वो वाकई किस्मत वालों को मिलते हैं और ऐसी बीवियां भी किस्मत वालों को मिलती हैं और ऐसे बच्चे भी किस्मत वालों को ऐसे शोहर भी किस्मत वालों को मिलते हैं। नहीं ज़्यादा मज़ा नहीं आया, ज़्यादा मज़ा क्यों नहीं आया। आप माशाल्लाह ये देखें अल्लाह ने कितनी बरकत दी है हमारे इस दस्तरखान में। शिकारपुर का अचार हम लेके आए हुए हैं अपने साथ, ये चेक करें, और शिकारपुर की ही चटनी है और एक कुकड़ शिकार किया हुआ हमने। माँ जी बहुत सोना गलिया गोश्त, क्या बात है। मक्खन भी पाया जना बिच? नहीं मैं तो नहीं पाया। अच्छा कि मैं कोई इतना अच्छा बच्चा ताबेदार बच्चा नहीं हूँ, सीधी सी बात है। वीडियो में शायद ज़्यादा लगता है, मैं वीलॉग करता हूँ और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसके अलावा मेरा जो है वो फ़ोटोग्राफी का बिज़नेस भी है, लेकिन इसमें कोशिश करता हूँ कि माँ बाप के साथ टाइम गुजारें। कुछ लोग तो वो हैं जो अब्रॉड रहते हैं, ये चीज़ वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, या वो लोग जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं रहे तो उन वो इस चीज़ को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी नेमत है और ये बड़े बरकत वाले हाथ हैं, बड़े बरकत वाले लोग हैं। आप इनके साथ लाजमी टाइम गुजारें और यही वक्त आपकी कल को बख्शिश का ज़रिया बनना है। और मेरी तो वैसे भी अम्मी अबू के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है और मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है। इवन कि मैं अपने भाइयों से भी ये बात कहता हूँ, मेरे से जो बड़े भाई हैं और वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप भी कोशिश किया करें अपनी इस मसरूफ़ रूटीन में से इनके लिए टाइम निकालें, इनसे अहम कुछ नहीं है, काम सारे चलते रहते हैं जी। माशाल्लाह माँ जी, फेवरेट खाना मेरा फेवरेट हाथों ने बनाया है माँ जी, बड़ा ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम सेहत दवे, सलामती दवे, ते ओ वेखो अब्बा जी खा के ते नाल ही ढिले हो गए बह गए। अगली एपिसोड में हम आपको मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए निज़ाम के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।